आज यहाँ पे सब इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं? आज हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक्टर ज्वेलरी खरीदने आ रहा है। ये बात है, हम भी चले। Wonderful. Hi. Hello. नमस्कार। क्या बात है, बहुत बड़ा पैरा लगा अखबार। आपने मास्टर के बारे में सुना है ना? सुना है। बस अपनी हिफाजत के लिए ये पैरा जरूरी है। एक बढ़िया सा हाथ दिखाइए हमें। देखिए, मेरे पास एक महाराजा के जेवर बिकने के लिए आए हैं, कहें तो आपको उनमें से एक दिखाऊं? मेरा मतलब है कि फिर तो आपकी बहुत बड़ी इनकम होगी। अपने आदमी है, आपसे क्या छुपाना है। ये टैक्स से जो 2-1 लाख रुपया बच जाता है ना, बस वही आमदनी समझिए। अच्छा, कितनी कीमत का हो? यही कि 2 लाख के अंदर का होना मांगता है। अच्छा, आपको हार दिखाइए रानी का। चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक है, हमारा चेक चलेगा। जी, आपका तो 10 लाख का चेक चलेगा। गुड, वेरी गुड। हमने साइन कर दिया है, अमाउंट आप खुद भर लीजिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। बाय, एक्सलेंट। क्या करें आप लोग, क्या करें आप लोग, हो जाइए यहाँ से, जाइए, मुझे जाने दीजिए। बाय बाय, बाय मिलूंगा आप लोग, जाने दीजिए। कर रहे हैं आप लोग ड्राइवर, गाड़ी ले करो यहाँ से, बिल्कुल ले करो, ले करो, क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा होगा, तुम तो एक बहुत बड़े आदमी की बात कर रहे थे, ये मास्टर चोर कहाँ से आया? अरे भाई, यही तो मास्टर चोर है। गाड़ी में बैठने के बाद वो अपना नकाब। एक जरूरी खबर सुनिए, शहर के मास्टर चोर ने एक बहुत बड़े एक्टर का भेष बदलकर एक ज्वेलरी शॉप से 2 लाख रुपए का हार चुरा लिया। अरे मर गए, उधर वो छापा मार के निकल भी गया और मैं उल्लू है प्लान बना रहा हूँ, अभी पकड़ता हूँ। कमान रॉबर, कमान। अरे मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मास्टर चोर ऐसा करेगा? चलाओ पुलिस स्टेशन। अरे अरे, अरे मेरी चाय के पैसे, दूध के पैसे। ए, अरे सुनो। जानते हैं कि और से तुम्हारे ताल्लुक का। योर ऑनर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं तो एक प्राइवेट जासूस हूँ और मास्टर चोर को पकड़ने की कोशिश में हूँ। अच्छा, तो तुम 1 साल के लिए अपनी नेकनी की जमानत दाखिल दूर। मैं परदेसी आदमी, जामिन कहाँ से लाऊं? तो फिर 1 महीने की कैद। हुजूर, मैं इस बारे में कुछ अर्ज कर सकता हूँ? कीजिए। हुजूर, मैं श्री इंदर सेन जीवन सुधार आश्रम का कर्मचारी हूँ, अगर अदालत इस नौजवान को हमारे आश्रम के सुपुर्द कर दे तो मैं इसकी जमानत दे सकता हूँ। गुड, वाकई आपका आश्रम देश और सोसाइटी की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। नौजवान, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हें अपना जीवन सुधारने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सर। नमस्ते सुप्रिंटेंडेंट साहब। नमस्ते, क्या हाल है तुम्हारा? अच्छे। धन्यवाद। वाह वाह, मैं तो इसे सुधार आश्रम समझता था, लेकिन ये तो बाहर आश्रम भी है। मैंने कहा कुमारी जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको इस सुधार आश्रम में कौन सा कारनामा खींच लाया है? चोरी, डकैती, लूटमार या
रोवर, तो ये लड़की बहरी है या बहुत ही गहरी है? वेट हियर, आई सी। शुक्र है कि होते होते रह गया। ये कुर्सी मेरी और आपकी बिरादरी, मेरा मतलब है हम जैसे महापुरुषों के लिए नहीं है। अच्छा हुआ कि सुपरिंटेंडेंट साहब ने देख नहीं लिया, वरना गजब हो जाता। आप सुपरिंटेंडेंट को जानते हैं? अजी जानते हैं क्या, उनके मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। कहिए तो मैं उनसे आपकी सिफारिश कर दूं, ताकि आपका भी सुधार जल्दी से हो जाए। मगर आपका सुधरना बहुत मुश्किल नजर आता है। जी जी हाँ, क्योंकि आप चोर ही नहीं, पढ़ने दर्जे के झूठे भी।